السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله <applause> <applause> हमने पंद्रहवें जुज के दरमियान से तरावी में शुरू किया और जस् कम्प्लीट हुआ सोलहवा जज्स कम्प्लीट हुआ सत्रहवा जज़ कम्प्लीट हुआ और एटीनथ भी हाँ सॉरी सॉरी सोरे में से शुरू किया जी 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 में से शुरू किया सोल में जुज से शुरू किया सोलह सत्रह और एटीनथ का हाफ साढ़ा अठारह तो सूरतलकाफ़ का का आखिर पढ़ा गया शुरू में उसके बाद सुरम मरीम थी तो ये मैं दोबारा से याद दहानी कराता चलूँ कि ये जो रात को तरावी में तिलावत होती है उसके कुछ थोड़े से चीदा चीदा कुछ आयात उनका मुजा है ये रातों को जो हो रहा है ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव आयात का मुजा नहीं है सूरह मरीम की आयत नंबर सेवेंटी वन में अल्ला ने जिक्र फरमाया व इम इल्ला वारिदुहा कान वारी दुहाबी का कि तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर से गुजर नहीं होगा यानी हर बंदे को दोजख के ऊपर से गुजरना पड़ेगा व इमिन कुम्ला इल्ला वारिदुहा तुम में से कोई नहीं है मगर उस के ऊपर से गुजरेगा हर बंदा एक एक शख्स और ये लिखा है कि ये जो तो सिरात है उसका तस्करा है ये क़्यामत का दिन है समझे समझाने के लिए कह रहा हूँ ये क्यामत का दिन है क्यामत जो जहाँ यानी ये, ये ये दुनिया है जहाँ क़यामत का आखिरी दिन होगा जो आखिर आखिरी दिन ये जन्नत है और ये जहन्नम है और ये ऊपर से सिरात है पुल है सिरात अरबी में पुल को कहते हैं तो ये आखरत का आपकी दुनिया है आखरत का आखिरी दिन होगा सारे लोग इस दुनिया में जमा होंगे ये जन्नत है नीचे जहन्म है ऊपर सिरात तो अल्लाह तरमा रहे हैं जन्नत में जाने के लिए हर बंदा सिरात से गुजरेगा नीचे जहनुम है हर बंदा जहनम से गुजरेगा एक एक शख्स अगर जन्नत में जाना है तो जहनुम से ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा और ये जो पुल है सिरात है ये कोई एट लेन मोटरवे नहीं है ये जिस तरह हदीस में इसकी तफसील आई है ये नहायत बारीक पुल है अजीब इसकी कैफियत है और सोचें कि खुदा न खास्तः कोई गिर जाए तो ऐसा नहीं है कि वो किसी नहर में गिरेगा तो तैर के कि इस किनारे पर आ जाएगा नीचे जहन्नम में क्या क्या कैफियत होगी और नबी करीम इस्लाम ने, इस ने फरमाया कि कि इसके ऊपर से जो ममिन का शार है वो होगा रबी सलम रबि उनकी दुआ निकल रही होगी दिल से अल्लाह बचा लीजिए अल्लाह बचा लीजिए अल्लाह बचा लीजिए मेरे रब बचा लीजिए हिफाजत कर लीजिए सलामती दे दीजिए वारिदुहा तुम्हें से कोई नहीं जिसका इस दो जख्बे से गुजर ना हो काना रबी का हतमिया इस बात का तुम्हारे रब ने हतमी तौर पर ज़िम्मा ले रखा है फ़ैसला कर लिया अल्लाह ने होगा सुमन लदीनत तको किस को बचाएंगे अल्लाह इसमें से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उनको हम निजात देंगे तकवा क्या होता है ये तो रट गए ही ना बात क्या होता है तकवा हर गुनाह से बचना हर गुना से बचना ज़ाहरी बात नहीं असद तकबर कीना बोग दुनिया की बेजा मोहब्बत वो वगैरह वग़ैरह इस सब से बदगुमानियाँ ये पात्री गुना भी और जाहरी गुना भी नज़र की हिफाज़त ज़बान की हफाजत कान की हफाजत शर्म गां की हिफाज़त हर गुनाह से बचना इसको तखवा कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं मैं किसको बचाऊंगा इस पे से तुम्मा जिलदीन तख तखबे वालों को निजात दे दूँगा व नजर वालम और जिसने अपनी जान पर म किया होगा फ़ी हा जिसिया अल्लाह तै फ़रमा हैं कि ज़ालम है उन्हें इस हाल में छो हे इस हाल में छोड़ देंगे वो इस दो घुटनों के बल कर जाएंगे पढ़ पढ़ जाएंगे माजल्ल तो मामला सीरियस है मामला कोई मज़ाक नहीं है कोई जोक नहीं है आगे सुर मरियम ही कि आयत नंबर नाइन्टी सिक्स में अल्ला ने फरमाया कि आमन वामहत सैद्लमरमानद्दा के जो लोग ईमान लाएँ बेशक जो लोग ईमान लाएँ और उन्होंने नेक अमल किए हैं फिर रहमान खुदा रहमान इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा वैसे तो एक जिस कॉन्टेक्स में बात हो रही है कि अभी तो मुसलमानों का उस वक्त जब से आए थे मुबारक नाजिल हुई ये हाल था कि कुफ़ार उनकी मुखालफत पे तुले हुए थे और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अनकरीब वो वक्त आएगा कि ईमान और नेकमल वालों के दिलों के लिए लोगों के दिलों में अल्लाह तहबत डाल देंगे लेकिन एक असूल बताया जा रहा है कि महब्बत किसी दुकान से नहीं मिलती मोहब्बत किसी दुकान से नहीं मिलती मैं आपको डंडे मार के अपने से मोहब्बत नहीं करा सकता ज़बरदस्ती तो, तो नहीं हो सकती मोहब्बत अल्लाह ताला दिलों में डालते हैं लोगों के लिए तो किस तरह मोहब्बत आती है अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो ईमान वाले लोग हैं और जो नेक आमाल करते हैं ये दोनों इनके इस जो ये लोग करते हैं फिर अनकरीब करीब सैजाल अबुदा तो रहमान अपनी रहमत से इन लोगों के लिए मोहब्बत डालेगा लोगों के दिलों में तो एक क्राइटेरिया है अगर मोहब्बत चाहिए तो नेक ईमान तो रेस लाइन है ही उसके साथ नेक आमाल आगे सूरत है, है। में कुछ अम्बिया के किस्से हैं एक बहुत अमेजिंग एक उसको तो आज पढ़ा था तो सुबह अल्लाह तदा मूस असलातलम और सदा हरून सलातम को फिर की तरफ़ भेजा और फिरौन जो है एक सिंबल है जुल्म का फ़िरौन ताते कोई बहुत ज़ालमुन कहते फ़िरौन बन गया एक सिंबल है म का अल्लाह ताला ने उन दोनों को फ़िरौन की तरफ नबी बनाकर भेजा और उनको जब नसीहतें कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है जा तो एक अजीब नसीहत अल्लाह ताला, ताला ने तरमाईला कऊल्ला तजक करो ओ यकशा कि जा कर तुम दोनों उस यानी फ़िरौन से इससे यानी फ़िरौन से नरमी से बात करना शायद वो नसीहत को बोल कर ले या अल्लाह से डर जाए अल्लाह या तो करो अव यक्षा फिर ओन से बात करने को कह रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला फरमा नरमी से बात करना उससे ये जो हमारी कभी कभी दावत का तरीका है, कार सख्ती ये सख्त मिजाजी ये दीनी शरीम, शरी शर्यी मिजाज नहीं है सख्ती हर वक्त चीखना चिल्लाना सख्ती के साथ कल भी हमने वायत वक़ा की थी उदर उबीले रबी कबिल मऊवा दिलहसन आती अल्लाह ताली फरमाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हमत के साथ अच्छी नसीहत के साथ फ़िरौन को अल्लाह ताला तरमाए अल्लाह को पता है फ़िरौन ने हिदायत नहीं लेनी और फ़िरन झालम तरीन इंसान है लेकिन ऊला कऊल ना नरमी से बात करना उससे क्योंकि नरमी से बात करोगे तो शायद वो तो नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह से डर जाए तख्ती से काम नहीं चले आगे चल के अल्लाह ताला ने सूरत हम आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नी लिमन ताबा वा आमना व अमीला सलह सुत के ये हकीकत है कि जो शख्स तौबा करे ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सहतदा पर सीधे रास्ते पे चलता रहे इसकामत के साथ अल्लाह ताला फरमा तरमारे मैं उसके लिए गफ्फार हूँ उसके लिए मैं बहुत बख्शने वाला हूँ क्या क्राइटीरियाज़ हैं तौबा करें ईमान लाए नेक माल करे और फिर इस्तेकामत के साथ चलता रहे तुम महतदा उसके लिए मैं गफ्फ़ारूँ क्यामत के दिन उसकी नफ़रत का फ़ैसला करूँगा ये अल्लाह ताला गफूर और रहीम है अल्लाह ताला गफूर और रहीम है यह बिल्कुल अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है लेकिन उसके लिए कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ये तो शैतान का सबसे बड़ा धोखा है कि गुनाह में पड़े रहो और किसी कोई नसीहत करे तो अल्लाह ताला तफू रहीम है बिल्कुल है अल्लाह किसने कहा है वो तो ईमान ही नहीं है वो इंसान मुसलमान ही नहीं है जो जो ये ना माने के अल्लाह रहीम नहीं है है ना लेकिन उसके लिए इसबाब क्या है कोशिश अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मैं किसके लिए गफार हूं व आमन वाल मैं बार बार इस चीज का मुजा कर रहा हूं पिछले छह सात दिनों के अंदर कि भाइयों शैतान और शैतानी कुतें शैतान और शैतानी कुतें हम सब के पीछे पड़ी हुई है किस तरीके से हमें ईमान से निक उठा दें किस तरीके से हमारा ईमान खेच लें प्लीज इस चीज को समझें मैं कैसे समझाऊं वो नहीं चैन कुरान बार बार कहता है कि कि या तो वो चाहते हैं कि शैतानी कुतें क्या चाहती हैं लत लताऊदी मिल्न थी ना हमारी मिल्त में वापस आ जाओ फिर से काफिर बन जाओ वो जो गुनाहों में पड़े हुए थे दोबारा से आ जाओ उसी उसी ग्रोह में एक शैतानी क़ुतें चाहती हैं इसके बगैर उनको चैन नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब हुआ एक एंटी एक एक नेगेटिव फोर्स हमें खींचने की कोशिश कर रही है हम अंदर से कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की तोफ़ी से पॉजिटिव चलने पर एक क्लास है और इसका नुकसान क्या होता है जो बंदा कमज़ोर पड़ जाता है वो इस्तकामत छोड़ देता है असल तो बात इस्तकामत की है फ़ु महतदा फिर चलता रहे मरते दम तक चलता रहे आखिरी सांस तक चलता रहे उसके लिए अल्लाह ताली फरमाें मैं गफ़ार हूँ मैं बहुत फिर उसकी गलतियाँ तुम सब करते हैं कौन है जो गलतियाँ नहीं करता कोई है दावा जो करे गलतियाँ नहीं करता एक तो आज के दिन में ही नज़र डाल लें तो आपको दस गलतियाँ नज़र आ देंगी गलतियाँ तो हर बंदा करता है लेकिन अल्लाह की मफरत चाहिए किस मिलेगी कोशिश करें नेकामाल करें और इस्तकामत के साथ जुड़ा रहे इस्तकामत के साथ चलता रहे ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन क़ुरान फिर उसी बंदे के लिए बिशारत देता है जो इस्तकामत के साथ जिसकी आखिरी सांस आती है अल्लाह करें अल्ला इस्तकामत इसकामत और उसके लिए भाई मैंने वो भी हमने परसों हमने शायद मुजा किया था उस उसके लिए लाजम कन उमा आसान की नक महफिल में रहना लाजमय जो नेक महफिल से कट जाता है वो उसको इस तकामत पर बहुत मुश्किल है उसको चलना आगे अल्लाह सुबहान तूरत ही के अंदर एक सौ आठ में वन हंड्रेड एंड एट आयत में अल्लाह ने त्यामत के दिन का एक तस्करा फरमाया कि الأصوات للرحمن वश्शातिलवातर फला तस्माउस उस उस दिन सब के पीछे मनादी उस दिन सब के सब मनादी के पीछे इस तरह चलेंगे एक एक आवाज़ आएगी और उसके पीछे ऐसे चलेंगे कि इसके सामने कोई टेढ़ नहीं दिखा सकेगा कोई ऐसा नहीं है खिसक जाऊँ एक आवाज़ आएगी चलो क्या मत का दिन है सब चल पड़ेंगे कोई खिसक नहीं सकेगा कोई ट्रेड नहीं दिखा सकेगा लाजा ला विल्वातर रहमान के सामने तमाम आवाजें दब जाएगी फला तो तस्मा हमसा तुम्हें बस पाओ पाओ की, की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा असल में हमस कहते हैं आहिस्वा सरगोशियाँ नहीं होती उससे तह बस बस लोक चलने तो की आवाजें आएंगी एक लफ्ज नहीं निकलेगा मुंह किसी से

और उस वो इस और वो यानी लोग इसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते हैं क्यूम सारे के सारे चेहरे हैम के आगे झुके हुए होंगे और जो कोई जुल्म का बोझ लाद कर लाया होगा वो नाम मुराद हो जाएगा बहुमला और जिसने नेक अमल किए होंगे जबकि वो मुमिन भी हो तो उससे ना किसी ज्यादती का अंदेशा होगा ना किसी हक तल्फी का आगे अल्लाह तरमाया वोदा ربي زدني जिदनी ऐसी ही ऊँची शान है अल्लाह की जो सल्तनत का हकीकी मालिक है और नबी सब कर्न वही के जरिए नाजिल हो रहा हो तो उसके मुकम्मल होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो और ये दुआ करते ना करो मेरे रब मेरे इल्म में और तरक्की फरमाइए नबी करीब वसल्लम को दो डर थे जब कुरान नाजिल होता था ना दो डर थे एक कि मैं भूलना चाहूँ दूसरा समझ आ जाए मुझको एक भूलना चाहूँ दूसरा कि ये जो पढ़ा जा रहा है ये समझ आ जाए मुझको अल्लाह ताला ने उन दोनों के लिए दुआएं सिखाई हैं सूरा कौन सी सूरा है वो अल्लाह तो हर रख भी लसानक सूरा क्याम है ना जल्दी जल्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जबरीम के साथ पीछे पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया ला तो हर रख भी लसानक अली ताजल इन्ना अलना जम आहो व कुराना पैदा कराना हो फ तब इन्ना अलना बयाना दोनों बातें जल्दी मत की जबान को अपनी जल्दी जल्दी मत हिलाए कीजिए जबीम के पीछे बस सुना कीजिए उसकी इतवा कीजिए मैं आपके सीने में इसको जमा कर दूंगा और मैं ही इसका बयान इसको बयान भी कर दूंगा सिखा भी दूंगा दोनों जो कंसर्न थे नबी करीम सल्थ सल्थ के अल्लाह तड्रेस किया और अल्लाह ती यहां पर फरमा रहे हैं आप बस ये दुआ करते रहिए रबित ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए ये दुआ उलमा ने लिखी है अल्लाह तबी करीमलात को सिखाई है कि आप ये दुआ मांगा करें रब इल्मा इससे दो फ़ायदे तो होते ही होते हैं एक याददाश्त मज़बूत होती है नंबर दो समझ आती है इल्म जो पढ़ा जाता है उसकी समझ आती है उसकी गहराई आती है ये दुआ बहुत पुर असर दुआ है अल्लाह ताली नबी करीम सलम को सिखा रहे हैं तो मेरे और आपको भी उनके वास्ते से सिखा रहे हैं इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए जितनी 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 आगे चल के अल्लाह ताला ने तुरंटी फोर में फरमाया जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी मायशतन तंग का और अल्लाह ताला रहे हैं क़यामत के दिन हम उसे अंदाज करके उठाएंगे बिल्लाह कौन जो मेरी नसीहत से कुरान नसीहत है हदीस नसीहत है सुन्नत नसीहत है हमारे बड़े हमारे हमारे अकाबरीन हमारे मशाइख हमें जो कुरान सुन्नत की बात बताते हैं वो नसीहत हैं अल्लाह रहे हैं कि जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूँगा ज़िंदगी तंग होने का नसलीय मतलब नहीं है कि आपको माल खत्म हो जाए इंसान कभी बच्चे परेशान करते हैं कभी बीवी परेशान करती है कभी शोहर परेशान करता है कभी कभी लोग परेशान करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है कभी कुछ कभी कुछ एक बेचैनी एक अजीब तंगी सी महसूस होती है उसकी वजह अल्लाह की बात नहीं मानते और अल्लाह तला कहते हैं कि के दिन उसको अंधा खड़ा कड़ा करूँगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन बसीरा वो कहेगा क़यामत के दिन यारब आपने मुझे अंधा करके क्यों खड़ा किया है जबकि मैं तो आंखों वाला था मैं तो दुनिया में मेरी आँखें थीं का आयातुना फन सीता अल्लाह ताला फरमाएंगे इस तरह हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थीं मगर तुमने उसको उनको भुला दिया यो तो मतुन इसी तरह आज तुम्हें भुला दिया जाएगा आगे वन थर्टी टू में सूरत आहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे ताली फरमान वस्तबिर वाली अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो बच्चों को सिर्फ नसीहत नहीं होती अपने लिए पहले होती है बच्चों को हम नसीहत करते रहते, रहते बेटा सच बोला करो खुद सच बोलते नहीं हैं बच्चों गल बदतमीजी नहीं करो बदजुबानी नहीं करो बुरे अल्फाज नहीं निकालो खुद करते हैं अल्लाह ताली फरमाने अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो और इसी के ऊपर क्यास करते हुए उनको नेकी का हुक्म दो और खुद भी नेकी पे साबित कदम रहो लो का रिस्का हम अल्लाह तरमाते हैं हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते नो नजोक हम तुम्हें रिस्क देते हैं की बतुल् तकवा और बेहतर बेहतर अंजाम तो तकवे वालों का ही है जो गुनाह से बचते हैं आगे अल अंबिया शुरू हुई पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़र हिसाबहुम रनिम फी ना से लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुँचा है वो ये है कि गफ़लत की हालत में मुँह फेरे हुए हैं वो सालगरह मना रहे हैं बस हर रोज़ हिसाब करीब होता जा रहा है और जो उनके उनके चौंसले नहीं ख़त्म हो रहे भूले जा रहे हैं वो गफलत की हालत में मुँह फेरे हुए हैं जी माँ यह अति माँ हिमिन जब कभी उनके रब की तरफ से नसीहत की कोई नई बात उनके पास आती है तो उसे मजाक बना बना कर इस हालत में सुनते हैंबून यानी मजाक बना लेते हैं उसको जब भी उनके रब की तरफ से नसीहत की कोई नई बात आती है तो वो उसे मजाक बनाकर सुनते हैं इस हालत में सुनते हैं जैसे मजाक उड़ा रहे हैं ला हिय तन कुलुबहुम उनके दिल फजूलियत में उन्हमिक हैं व असररु नज्वल लदीन जुलमू और ये जालिम छुप के छुप के एक दूसरे से सरगोशी करते हैं कि हल हादा इल्ला बशरुम मिसलुकुम नबी के बारे में कि ये तुम्हारी तरह का इंसान नहीं है अफततूनस सहरा व अंतम तबसिरून क्या तुम फिर भी जानते बूझते जादू की बात सुनते जाओगे अब जब्ला आज भी लोग हैं जो कि दीन की बात नसीहत की बात को मजाक बना लेते हैं की आयत नंबर नाइनटी थर्टी फाइव में पैंतीस में अल्लाह ताला ने याद दहानी कराई कि कुल्ल नफसा मौत के हर जानदार को मौत का जायका चखना है हर शख्स को हर जानदार को मौत का जायका चखना है व नबलू फितना और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आजमाने के लिए बुरी और अच्छी दोनों हालतों में मुबतला करूंगा या मैं करता हूं वह ना न तोन और तुम सब हमारे पास ही लौट के आओगे ये जिंदगी है पूरी बेसिकली जिंदगी का एक, एक, एक क्या कहना चाहिए एक खुलासा है समरी है दिन कि मौत आने वाली है और ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि इम्तिहान है और इम्तिहान दो चीज़ों से होता है शर से भी खैर से भी कभी बीमारी आती है वो भी इम्तिहान है कभी सेहत और जो सेहत आती है वो भी इम्तिहान है माल जाता है वो भी इम्तिहान है माल आता है वो भी इम्तिहान है कि मतकबर तो नहीं हो जाता कि बंदा दूसरों को ऐसा तो नहीं है निगलैक्ट कर तो ही कर देता अभी भी जकवात देता है कि नहीं देता अभी भी लोगों के साथ लोगों पर माल खर्च करता है कि नहीं करता तो यही यही ज़िंदगी है अल्लाह ताला फरमाने वाले ही ना तुर जाऊँ देखो मेरे पास आना है तुम्हें फिर मैं बार, बार, बाकी जगहों पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें बताऊंगा क्या करते रहे ये ज़िंदगी है दैट्स इट दिस ऑल बट लाइफ इज अबाउट इस जक़ात से मुझे एक फिर चीज़ याद आई मेरे भाईओ जकवात बहुत एहतियात से ज़क़ात दिया कीजिए जकवात में बहुत बहुत केयरफुल रहा कीजिए जकवात में पता नहीं कोई इस पिछले पाँच छः दिनों में कई दफ़ा इसका इसको याद यादहानी करा चुका हूँ लोग ज़कवा़त में पता नहीं क्यों शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जकवात में इंसान बहुत एहतियात करें वो हमने आयते मुबारक पढ़ी थी ना कि जो लोग खर्च नहीं करते उनकी उनकी जो सोना चांदी है उनको क्यामत के दिन उनसे दागा जाएगा माजल्ला क्यामत जहनुम में अबू जबिल्ल हदीस मुबारक में आता है शायद गालिबन सैल बुखारी की हदीस है कि बस वो वो जो पैर माल जो जो नहीं दी होगी वो सांप की शक्ल में उनके गले में तोक के तौर पे डाला जाएगा जो उनको डसेगा जकवात में बहुत एहतियात करनी चाहिए और भी खर्च करना चाहिए लेकिन जो फर्ज है उसमें तो बहुत एक्स्ट्रॉडनरी ख्याल अच्छा इस सोने की तो नहीं देनी ना जकवात ये उसकी तो नहीं है ना जकूआत वो तो मैंने बस रखा हुआ है अपने बच्चों की शादी के लिए अल्लाह के बंदे कौन देगा उस पर माल में जकवात आपने जो बच्चों की शादी के लिए रखा हुआ है वो किसका माल है बच्चों का बच्चे तो भी छोटे हैं क्या आपने उनके नाम कर दिया उनके नाम कर दिए तो चले ठीक है लेकिन नाम भी नहीं किया होता होता मेरे नाम है लेकिन की होगी कि मेरे बच्चों की शादी पे काम आएगा लेकिन इस वक्त तो तो मेरा है है ना तो उस वगैरह 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 लोग ख्याल ही नहीं करते इतनी खतरनाक चीज है मैं कैसे सम्झाँ। कैसे कि कितनी खतरनाक बात है जकत ना देना और जकत को सही तरह से कैलकुलेट ना करना लोग पता नहीं सालों से बाल हैं और सालों से साहब निसाब है लेकिन उनको जकवात की रूलिंग्स ही नहीं आती हैं कैसे नहीं हो सकता कैसे हो सकता है कि उनको जकवात की रूलिंग्स ना आए ये तो इतनी इतनी सेंसिटिव बात है इतनी सेंसिटिव चीज़ है जिस बंदे के पास बंद माल है, यही तो है इम्तहान जो भी बात हो रही है कि माल है जक़त नहीं दे रहे जबकि जक़ात सिर्फ नहीं है जकवात के अलावा बहुत खर्च करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में यही तो ईमान है क्या आएगा वापस Allah का हुक्म है आए या ना आए वो तो अल्लाह तरम किया अल्लाह कहते हैं मैं दोबारा दे दूंगा तुमको लेकिन अगर नहीं भी अल्लाह ताला देते हैं। मिसाल के तौर पे तब भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें फीस इसकी फिक्र करें आगे चल के सूरतिया की आयत नंबर फोर्टी सेवन में अल्लाह तरमा रहे वजी अल्कस्तियम हम क्यामत के दिन ऐसी तराजू ला कर रखेंगे जो जो, जो पूरे इंसाफ पे मबनी होगी फला तुस्म नफ सुन शैया किसी परिस पर मिन कफा ताला ताला रहे हैं कि अगर कोई अमल राने के, के बराबर भी होगा तो हम उसे सामने ले आएंगे और हिसाब लेने के लिए हम काफी हैं कल भी हम यही बात कर रहे थे ना हर अमल तोला जाएगा हर जबान से निकला हुआ कौल भी तोला जाएगा वो रखा जाएगा उस तराजू के है, हम तो सब कुरान का मुजा कर रहे हैं अल्लाह तलामा रहे कोई राई के दाने के बराबर भी अमल नहीं होगा जो कि उस तराजू में नहीं डाला जाएगा कभी कई चीजें होती हैं, भूल जाते हैं मैंने बच्चे को बच्चा उदास है मैंने उसको गले से लगाया उसे प्यार किया उससे अल्लाह के लिए उसे मैंने कहा चलो थोड़ा चेयरअप किया मैं करके भूल गया लेकिन क्यामत के दिन इन शाह अगर मैंने ऐसा किया है वो नेक अमल के तौर पे उस तराजू में ढाला जाएगा और हर बंदे किसी को मुस्कुरा के देख लिया किसी की आदत करने में चले गए कोई बीमार था उस एक एक चीज एक एक अमल वो अच्छा हो या बुरा हो मेरे भाइयों, वो तराजू में रखा जाएगा कुरान कह रहा है कि इंसाफ के तराजू हम कायम करेंगे क्यामत के दिन फला तुजलम फलामसन शया किसी परर्रा बराबर नहीं किया जाएगा वन अतना बिया अगर को राय के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसको सामने लेकर आएंगे व कफा बिना हासीबिन हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं आगे सुरम्बिया में अल्ला ताला ने कुछ अंबिया के किस्से बयान फरमाए हैं उसके अंदर ूबल सलाम का तस्करा किया जो बहुत बीमार हो गए थे हमको पता है नहीं पता तो पता होना चाहिए शदीद बीमार हो गए थे और सालों बीमार रहे थे और शदीद बीमारी हमें थोड़ी सी हो तो हम लोग थोड़ी सी हमें बीमारी आ जाए लंबी हो जाए तो मायूस हो जाते हैं उनके साथ जिस तरह बीमारी आई लेकिन उन्होंने अल्लाह ने फरमाया, वह अयूब इज़ना इज़ नादाबाह और अयूब को देखो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा अन्नी मसनी अरहमुर अरहम्राहमीन के, के मुझे ये तकलीफ़ लग गई है और आप तो सारे रहम करने वालों में से बढ़ कर रहम करने वाले हैं अल्लाह ताला फरमाते जब लहू हमने उसकी दुआ कबूल कर ली अन्नी या अल्लाह मुझे तकलीफ़ लग गई है बंदे हैं ना ये बंदगी है, है। अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी सिखा रहे हैं अल्लाह मुझे तकलीफ़ हो गई है आप तो सब रहम करने वालों में ज्यादा रहम करने वाले हैं अल्लाह ताला अल्लाते मैंने इनकी दुआ कबूल कर ली व कश्यफ़ नाम दुर्रिन मैंने जो उनको तकलीफ लायक थी मैंने उसको दूर कर दिया वह आते ही नाह मिसल ह अल्लाह ताली फरमाते हैं और उनको उनके घर वाले भी दे दिए और उनके साथ इतने ही लोग और भी उनके सब घर वाले के चले गए थे उनको इतनी तकलीफ में थे उनके स्किन को अजीब कोई तकलीफ हो गई थी सिर्फ उनकी बीवी रह गई थी बाकी सब लोगों ने उनको छोड़ दिया था सोचें एक नबी हैं अल्लाह के वो और क्या क्या हालत में हो किस हालत में होंगे वो अल्लाह तला कहते हैं उनके घर वाले भी ले आए और उतने ही और भी दे दिए रहमतम तमिन आंदीना ताकि हमारी तरफ से रहमत का मुजाहरा हो व वज़िकाबिदीन और इबादत करने वालों को एक यादगार सबक भी मिले व इसमाइल व इदरीसलफ़िल्मिनबरीन इसमाइल और इदरीस औरफ़िल को देखो ये सब भी सबर करने वालों में से थे वल्लाम फिर उनको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया था यकीन उनका शुभार एक लोगों में होता है वज़न नून इजहाबादिबा और मछली वाले पैगम्बर यानी यूनसम की बात उनकी कर रहे हैं उनको देखो जब वो खफा होकर निकल गए थे अपनी कौम से नाराज हो गए थे मानते नहीं थे मानते नहीं थे मानते नहीं थे उन्होंने कहा तुम पे पेदाव आ जाएगा वो निकल पड़े अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था कि निकल जाओ लेकिन वो पहले ही निकल गए तो फगान ही और ये समझते थे कि हम उनकी कोई पकड़ नहीं करेंगे नबी थे ना उफ अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था अब नहीं निकलते यूनस आप क्यों निकले और क्या हुआ लंबा किस्सा है लेकिन उनको मछली ने उनको कश्ती में जा रहे थे कुरानदाजी हुई वगैरह 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 उनको फेंक दिया गया एक मछली ने उनको खा लिया और साबित निकल लिया उनको तो बेल मछली होगी गल और उन्होंने अब सोचे मछली के पेट में अल्लाह तरमाते फनाफ उन, उन अंधेरों में मेरे बंदे यूनुस ने मुझे पुकारा अंत कैसे पुकारा अल्लाह इलाह अल्लाह अंत सुबह इन्नी खुन तुम गालिमी के अल्लाह आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है आप हर ऐब से पाक हैं यानी सब ऐब तो मेरे अंदर हैं इन्नी खुन तुम ालमीन बेशक मैं मैंने जुल्म किया है बेशक मेरा मैं, मैं कसूरवार हूँ यार उस उन अंधेरों से अल्लाह ने उनको निकाला फस्त जब ना लहू अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनकी दुआ कबूल कर ली व नज ना व नज ना होम और गम की हालत में उस घुटन की हालत में से हमने उनको निजात दे दी और अल्लाह फरमाते तरमाते वह कदाली कंजिल इसी तरह से हम ईमान वाले ईमान रखने वालों को भी निजात देते हैं इसी तरीके से किस तरीके से हा? ला लाला इला सुबहानक इन्नी कुं तुमी लेकिन ए जुर्म हो एतराफे जुर्म तो हो अल्लाह इन्नी कुन तुम्हे झालिमी किस नेकी पे हम अकड़े हैं भाई कोई भी नहीं है वज्रिया इजनादा रब्बा हो और जकरिया को देखो जब उसने भी अपने रब को पुकारा रब ला ती व दम तखेरवाल सीन के यार रब मुझे अकेला मत छोड़िए और आप सबसे बेहतर वारिस हैं औलाद नहीं हो रही थी ना जकरिया की उन्होंने दुआ मांगी रब् ला तरफर वन तेर उलवारसिन अकेला मत छोड़े बस तब ना लहू अल्लाह फरमाते मैंने उनकी भी दुआ कबूल कर ली वह ना लहू याहया और हमको या जैसा बेटा अता किया वह ना ल... वह ना लहू जहू और उनकी खातिर उनकी बीवी को अच्छा कर दिया बांझ हो गई थी वो उनकी बूढ़ी बुढ़ापे में चली गई थी मेनो पास आ चुका था उनको अल्लाह ताला कहते मैंने उनको ठीक कर दिया ईमान की बीवी को ठीक कर दिया अल्लाह ते नबियों के किस्सों के बाद फरमाते हैं तो फिलखी सारे लोग भलाई के कामों में तेजी दिखाते थे वह ना रमे शौक और रोब के आलम में पुकारा करते थे शौक के साथ यानी कभी डरते है, डरते है, कभी उम्मीद के साथ ये हमसे दुआएं मांगा करते थे, थे सारे वकानूल खाश इन उनके दिल मेरे आगे झुके हुए थे और आपकी दुआएं अल्लाह ताला कहते मैंने कबूल की सबकी हम क्यों मायूस होते हैं भाईओं आज सूरतल हज आई थी बसमिल्लर यान्नास इतोर अब्बकुम ए लोगो अपने रब से का तकवा इख्तियार करो उसे डरो उसकी नाफरमानी से बचो इन्ना जल्जला तजा आती शई अज़ीम यकीन जानो क्याद का जलजला बहुत बड़ी जब। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है क्यों मतरा तज हलो कुल्लु मुर्द आत अम्मा अरदात जिस दिन वो तुम्हें नजर आ जाएगी उस दिन हर दूध पिलाने वाली उस बच्चे तक को भूल बैठेगी जिसको उसने दूध पिलाया माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो इससे ज्यादा इंटिमेट इससे ज्यादा मोहब्बत वाला मोहब्बत भरा मोहब्बत का इजहार इससे ज्यादा नहीं हो सकता उसके जिगर का टुकड़ा उसके जिसम का टुकड़ा उसको अपने जिसम से दूध पिला रही हो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये जल्जला आएगा ना क्यामत मत का वो उस बच्चे को भी भूल जाएगी वाकुल्लो जहा हमला और हर हमल वाली अपना हमल गिरा बैठेगी मिस कैरेजेस हो जाएंगे उस जलजिले से प्रेग्नेंट सारी सब फीमेल की बात हो रही है सिर्फ इंसान नहीं सब के हमल गिर जाएंगे वो तारा ना सा रहा और लोग तुम्हें यूँ नजर आएंगे जैसे नशे में हो ऐसे जैसे लोग नशा चढ़ गया हो वह माहम बेसुक अल्लाह तला फरमारे वह नशे में नहीं होंगे बला किन्ना आदब अल्लाह शदीद बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा उससे डर के ऐसा लगेगा कि नशे में चले गए आगे अल्लाह तरत हज की आयत नंबर थर्टी सेवन के अंदर फरमाते हैं मुहा दिमा उहाना ये कुर्बानी के बारे में अल्लाह तरमाया ताला 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 कि अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून लेकिन उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है तो ये जो दो दो लाख के बकरे खरीदते हैं ना सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा बकरा तुमसे बड़ा और तुम्हारा Allah से डरना चाहिए तकवा पहुंचता है अल्लाह का बहुत डरना चाहिए अल्लाह कहते हैं तकवा पहुंचता है तुम्हें कबूलियत असल चीज है कुर्बानी की एक तो जितनी इस्तेदाद है उसके मुताबिक दो अल्लाह की खाते लेकिन कोई रिया के लिए लोगों को शवाफ़ के लिए मत करो सूरतुल मोमिनून शुरू हुई उसकी बिसमिल्ल रिम कद अफ़लमिनल्ला तौ फरमाए उन ईमान वालों ने यकीन कामयाबी पा ली कौन किन लोगों ने फिर अल्लाह ताली ने एक पूरे सेट ऑफ क्वालिटीज़ बताई हैं कि किस किस को कामयाबी मिली सिर्फ़ ईमान काफ़ी नहीं है सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है कौन कौन है अल्लीनः हम फी सौलाम खाशन जो अपनी नमाज में दिलों से झुके हुए होते हैं व लदी हम आने लग भी मोहरदून जो लग चीज़ों से मुँह मोड़े हुए होते हैं हर वक्त फेसबुक पे नहीं बैठे होते हैं हर वक्त ब्राउजिंग नहीं कर रहे होते हैं हर वक्त जो है बस इधर का क्लिप उधर उधर का क्लिप इधर नहीं कर रहे होते हैं सारा वक्त सोशल मीडिया की जीत नहीं बने होते हैं कामयाबी के मैार बताए जा रहे हैं भाई वौर से सुनिए व लदीन ज़क़ात फ़ाहन वो जो ज़क़ात पर अमल करने वाले हैं इसके दो मतलब हैं एक तो जो ज़क़त देते हैं और दूसरा जो तस्किया करते हैं अपने नफूस को पाक करते हैं अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करते हैं फुरूज हाफिज़ून और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं जम अउल फ्न गैरोम समाये अपनी बीवियों के और उन बंदियों के जो उनकी मलकियत में आ चुकी हों क्योंकि ऐसे लोगबिल मनामत नहीं हैं फमन अजाल फलामिला हाँ इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना इस चीज़ का की जरूर की की खा, की ख्वाहिश को पूरा करने का कोई और तरीका जो इस तरह करेगा व उला एक अहम उदून ये लोग हद से गुजरे हुए लोग हैं वजी राउन जो अपनी अमानतों और अपने वादों का पास रखने वाले हैं इसकी तफसील करेंगे तो सारी रात लग जाएगी व लजीन जो अपनी नमाजों की पूरी हिफाजत करते हैं उला एक अहमलवासून ये हैं वो वारिस अलदीना यसूनफरदौस जिनको जन्नतफरदौस की मीरा मिलेगी मीराश मिलेगी हाँ वाह हमारे वा, वालदेन वहीं से आए हैं ना आदम और हुआ तो वालदेन की मीरास मिलती है ना तो इनको मिलेगी वो मीरास इन खसूसियात वालों को आसान है ना? नहीं है क्यों नहीं आसान क्या मुश्किल बात है इसमें से भाई मुश्किल बात है एक मुश्किल बात है मुझे तो जो लगती है सबसे ज्यादा दो बात दो बातें खुशू नमाज का और दूसरा नफ्स का तस्किया ये मुश्किल काम है हम खालिद ही हमेशा हमेशा रहेंगे आगे चल के सूरतमिन की आयत आयी वन में अल्लाह व तआला ने फरमाया या अय्युहर रसूल खुलू मिन व अमलू सालिहा ए रसूलो ए पैगम्बरों पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो बीमारूल यकीन रखो जो कुछ तुम करते हो मुझे उसका पूरा इल्म है मैंने आयत क्यों चुनी है इसलिए चुनी है कि अल्लाह ताला रसूलों को हुक्म दे रहे हैं कि पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो इसका कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा ना तैयब तैयब चीजें खाने और नेक अमल में और ऐसा ही है मुबारक में एक वजह बाकी बहुत सारी वजूहत हैं जब इंसान को फिर भी निकी करने का कुछ दिल चाहता है एक ये भी है कि जो दिन में खाली पेट रहते हैं ना ये बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी नेमत है यकीन जाने कि वह ऐसी जंग के अंदर नहीं जा रहा होता अगर किसी ने इसके ऊपर मेहनत की है ना थोड़ी सी उसको आप मैं नहीं कह रहा कि एक्सपेरिमेंट करें लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें खाने के आदि हैं आप एक दिन जंग खा के देखें और फिर अपने दिल की कैफियत का खुद खुद मुशाह कीजिए आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं ये जो जंग खाते रहते हैं ना लोग नेकमाल गार्बेज इन गारबेजाउ गंद खाओगे गंद बाहर आएगा और अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी चीजें खाएंगे और तैयब अल्लाह तला फरमाए तैयब खाना तैयब खाना सिर्फ हलाल की बात नहीं हो रही तैयब खाना पाक चीजें सोच समझ के खाना चाहिए मेरे भाई हम जानवर थोड़ी हैं आगे अल्लाह ने की वन की 115 आयत पे अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे में जाऊंगा और इस पे बात ख़त्म करूंगा इन अल्लाह ताला जीरो 101 में आयत नंबर वन जीरो वन पे फरमाते हैं फैदाफर फलासा वम्यूमा इम वला यून जब सूर फूँका जाएगा तो उस दिन उनके दरमियान कोई रिश्ते नाते बाकी रह, नहीं रहेंगे और ना कोई किसी को पूछेगा गौर से सुने का दिल के कानों से कुरान है फैजा नफी खफ सूर अनसा व बी नुम जब सूर फूँखा जाएगा तो उस दिन इनके दरमियान कोई रिश्ते बाकी नहीं रहेंगे वला या तसाअलून कोई किसी को नहीं पूछेगा मेरे भाइयों वो जब मामू खाला चचा दादी नानी के लिए हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं ना वो भागेंगे कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा माँ भी नहीं पूछेगी ये तो दूर के रिश्ते हैं

फी जहन्ना खालिदून और जिनके पलड़े हल्के हो गए यानी नेकियों के तो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपने लिए घाटे का सौदा किया था और वो दो में हमेशा हमेशा रहेंगे काली आग उनके चेहरों को झुलस डालेगी और उसमें उनकी सूरतें बिगड़ जाएंगी तक आयाती तो फकुन तुम बिहार उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी तुम इनको झुटलाया करते थे हाफिजो कुछ ज़्यादा फिक्र करो हम भी करें फालू वो कहेंगे रबना गलबतना शिक्वतना कि हमारे रब हम पर हमारी बदब्ती छा गई थी हकुन कौमन दौालीन हम गुमराह हो गए थे हम गुमराह लोग थे रबना अख़िर अख़रिज़ ना मिना एल्ला हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए फाइन उद ना फाइन अब अगर हमने दोबारा ही काम किए तो हम बेशम ालिम होंगे फीहा वाला तो कल मोहन अल्लाह फरमाएंगे इस दो जख़ख में जलील होकर पढ़े रहो मुझसे बात भी नहीं करो इन नरीकू में दी मेरे बंदों में से एक जमात थी मेरे, बंद, मेरे बंदों में से एक जमात थी या कोलू वो मेरे से दुआएं करती थी रब बना आमन्ना फिर वरना रब हम ईमान लाए हम की हमारी मफ़रत कर दीजिए हम पर रहम कर दीजिए और आप तो स... सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहम करने वाले हैं एक कौम थी मेरी जमात बंदों में से वो ये दुआएं मांगती थी मेरे से फत खस तुम्ह से खरी तुमने उन लोगों का मजाक बनाया उनका मजाक उड़ाते थे मौलवी हो गया एक्सट्रीमिस्ट हो गया तुम तो मजाक करते थे उनका फता जिक्र यहाँ तक के कि उन्हीं के उन्हीं के, उन्ही के साथ ऐसा यानी मजाक करने ने तुम्हें मेरी याद से गाफिल कर दिया वो कुन तुम मिन हम तद हकून और तुम उनकी हंसी उड़ाते रहते थे इन्नी जजई तो हमल योम भिमा सबर उन्होंने जिस तरह सबर से काम लिया था आज मैंने उनका उन्हें इसका यह बदला दिया कि अन्नाजून कि उन्होंने अपनी मुराद पाली मुराद को पहुँच गए फिर अल्लाह फिर फिर अल्लाह जहनुमियों से कहेंगे काला कम लबिस्तुम फिर और दिन कि तुम ज़मीन में गिनती के कितने साल रहे थे क़ाल लबिस्तः यम वो कहेंगे हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे थे मत के दिन लोगों को लगेगा ये दुनिया एक दिन या एक सुबह एक शाम थी एक सुबह या एक शाम पचास हजार साल का एक दिन हो जो तो साठ सत्तर साल की जिंदगी क्या लगेगी रिलेटिव है ना सब टाइम तो रिलेटिव चीज है वो कहेंगे शायद एक सुबह रह के आए थे शायद एक शाम इसी के लिए हमने डाके मारे थे झूठ बोले थे इसी के लिए हमने धोखे दिए थे इसी के लिए रिश्वत दी थी इसी के लिए जलील किया था लोगों को इसी के लिए सुबह वो तो जहनवी कहेंगे शायद एक दिन या उससे कम रह के आए हैं बस अद्न यानी या हमें याद नहीं है यानी दूसरे अल्फाज में इसलिए जिन्होंने वक्त की गिनती की वो उनसे पूछ लेती आज तो हम भूल गए सब कॉले बुम अल्ला कलीला अल्लाह तरमाएंगे तुम तो थोड़ी मुदत से ज्यादा नहीं रहे लव अन्मकुन तुम था क्या खूब होता अगर ये बात तुमने दुनिया में समझ नहीं होती कि दुनिया की जिंदगी इतनी सी है जिसके लिए तुम सुन करते हो अपने ऊपर अपनी ख्वाहिशात के पीछे अल्लाह को भूल जाते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाते हो शरीयत सुन्नत को भूल जाते हो अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारते हो काश समझ में आती तुम्हें दुनिया में और तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अब हसब तुम अनना खलना क्या तुम ये समझ बैठे हो कि हमने तुम्हें ऐसी बगैर मकसद के पैदा कर दिया है बस खाओ पियो चलो ताश खेलो क्रिकेट खेलो कंप्यूटर गेम्स खेलो फेसबुक पे स्क्रोलिंग करो इधर की उधर उधर की इधर व्हाट्सएप पे करते रहो बस ऐसे ही बेकार पैदा किया तुम्हें व अन्ना को मिलना ला तुर जाऊँ तुम्हें मेरे पास वापस नहीं आना तुम ये समझते हो फता फ़ा हक बहुत ऊंची शान है अल्लाह की जो सही माना में बादशाह है हैं हक है ला अः अल्लाह उसके सबक कोई इबादत के लायक नहीं है रबुल आश लजीम वो इज़्ज़त वाले अश का मालिक है उमैदुरहान और जो शख्स के साथ किसी और खुदा को पुकारे जिस पर उसके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं है तो उसका रब के पास है यकीन जानो काफिर लोग फला नहीं पा सकते वबर और ए नबीम दुआ किया करो कि ए मेरे रब मेरी मफफरत मेरी मफफ़रत कर दीजिए और रहम कर दीजिए और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं ये दो चीज़ें ही हमें चाहिए कौन कौन सी मखफरत और रहमत मखबरत और रहमत मखफरत और रहमत इतनी कोताल हम लोग अल्लाह मफफरत कर दें और अपनी रहमत से हमें कामयाब कर दें बस कोई अमल नहीं है कोई अमल नहीं है अमल की अपने असास क्या है बजस नदामत के पास क्या है रहे सलामत तुम्हारी नस्बत मेरा तो बस आसर यही है बस ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नस्बत तो है ना बहना भाइयों बस यही काम आएगी बस अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मक़फ़रत मफफरत रबिर और हम अंत अन तैर इसकी कसरत करनी चाहिए दुआ آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و السلام عليكم